हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टॉर्क एजुकेशन। और आज के एपिसोड में अपन लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि आईआईटी जेई और नीट में ही नहीं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ की। किसकी भाई साहब? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। हाँ भाई, वेक्टर किसकी? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सही बात है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या है ये वेक्टर फॉर्म? देख, अपन लोगों को पता है कि मान ले जीवन में अगर कहीं ये एक चार्ज है Q1 और इससे किसी दूरी पर कोई दूसरा चार्ज है Q2, समझ गए हो? कोई दूसरा चार्ज है Q2, जिनके बीच की दूरी कितनी है भाई साहब? R। तो अपने को पता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में ऑलवेज फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा K Q1 Q2 और R स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड कूलम ने हमको बता दिया था। डायरेक्शन साहब, डायरेक्शन तो अपने को बचपन से पता है कि यार ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होंगे, मतलब लाइक होंगे, तो अवे जाएंगे क्योंकि रिपल्शन होगा। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, मतलब अनलाइक होंगे, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। मगर हम वेक्टर फॉर्म में अगर क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है कूलम्स लॉ की जिसके अंदर हम दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी देख पाएंगे और डायरेक्शन भी देख पाएंगे। समझ गए? मतलब साहब इन दोनों चार्जेस की हमें क्या ऐसी कुछ लगने वाले फोर्सेस निकाले हैं जिनके बीच में क्या है भाई साहब, फोर्स भी दिख जाए और मैग्नीट्यूड भी दिख जाए। अब अगर मुझे वेक्टर चाहिए तो मुझे Q1 और Q2 की पहले ही पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। अब पोजीशन डिफाइन करने के लिए आपको पता है कि मुझे कोई ना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा भाई साहब? कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ गए हो? क्या लेना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम। देख ध्यान से, कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने लिया भाई साहब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर भाई साहब ये रहा अपना एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस और ये दोनों काटते हुए ओरिजिन। समझ गए भाई साहब? इस ओरिजिन के लिए जो Q1 है ना भाई साहब, ये जो Q1 ये है भाई साहब, इसकी पोजीशन मैंने दे दी R1 वेक्टर। कितना दे दी? R1 वेक्टर। समझ गए क्या? अब जरा ध्यान से देख, इस Q2 के पोजीशन वेक्टर जो है इस R2 के रिस्पेक्ट में कितना होगा? R2 वेक्टर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? नहीं है। बढ़िया है भाई साहब, इन दोनों की पोजीशन डिफाइन कर दी। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ये दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसको भी अपन लोग एक वेक्टर से डिफाइन करेंगे। कौन सा वेक्टर साहब? देखिए, 2 की ओर जा रहा है 1 से, तो मैं इसको बोल दूंगा R21 वेक्टर। क्या बोलूंगा? R21 वेक्टर। सही बात है। अब मुझे ट्रायंगल लॉ से बचपन में पता है कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर दिस वेक्टर। कौन बताता है? ट्रायंगल लॉ। इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। समझ गए हो क्या? क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? R2 वेक्टर। कहां से लिख पाया मैं? ट्रायंगल लॉ से। समझ गए हो? ट्रायंगल लॉ। ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से R21 वेक्टर का वैल्यू निकालूं तो इसको उधर उठा के पटकूंगा, मुझे मिलेगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्या ऐसा मिलेगा? साहब आप एक बात बताओ, आप हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन पढ़ाते थे कि वेक्टर पढ़ाते हैं? मैंने कहा अबे आगे जरूरत पड़ेगी। समझ गए हो? तो ध्यान से देखना, ध्यान से। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि इन दोनों के बीच में फोर्स जो होगा उस फोर्स का वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे। वेक्टर फॉर्म मतलब फोर्स के ऊपर तीर लगी होनी चाहिए, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखना चाहिए। मैंने कहा हाँ, ऐसा ही तो चाहिए। मैंने कहा देख ध्यान से, अगर मैं फोर्स लिखना चाहता हूं तो मैं फोर्स किस पे लिखूंगा? सर मैं 2 पे लिखना चाहता हूं 1 के कारण। सर ऐसा ही क्यों कर रहे हो? हम 1 पे भी तो लिख सकते हैं 2 के कारण। अभी हाँ लिख सकते हैं, मगर मेरे को पता है जो फोर्स ऑन 2 होगा ड्यू टू 1 वो कुछ और नहीं, नेगेटिव टाइम्स होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इन दोनों में से मैं कोई एक निकाल लूं तो दूसरे के आगे क्या कर दूंगा? नेगेटिव चक्का के काम कर लूंगा। क्या मेरी बात समझ में? तो अभी अपना टारगेट क्या है? अभी अपना टारगेट है कि 2 पे फोर्स निकाल रहा हूं किसके कारण? 1 के कारण। एक बात और समझे, यहां पर मैंने दोनों चार्जेस को पॉजिटिव माना है। तुम्हारा सवाल क्यों माना है? अबे देख, अगर मैं दो चार्जेस को पॉजिटिव मान के, मैथमेटिक्स हो या मैथमेटिक्स का कहीं भी जगह हो, अगर अपन किसी भी चीज को पॉजिटिव मान के सॉल्व करें उसके बाद ही मैथमेटिक्स की पावर है। दिस इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स कि आप उसमें प्रॉपर साइन बाद में यूज करें वो आपको बिल्कुल ट्रुथ रिजल्ट देगा। समझ गए हो? तो मैं क्या करूंगा, Q1 और Q2 को पॉजिटिव मान के सॉल्व करता हूं। मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू
वन, इसको मैं लिख रहा हूँ। मैंने कहा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, अपने आप निगेटिव चपका के पता कर लेंगे कितना होगा। अबे मैं पहले मैं मैग्नीट्यूड लिखूँ किसके बीच में, इन दोनों के बीच में लगने वाला, फिर मैं डायरेक्शन लिखूंगा। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा के 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 क्यू वन क्यू टू ओवर ओवर सेपरेशन बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू का स्क्वायर। सेपरेशन बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू क्या है, क्या वो आर टू वन वेक्टर के द्वारा दिया गया है, और आर टू वन वेक्टर कुछ और नहीं आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर है। समझ गए, समझ गए। लेकिन साहब मुझे तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैंने कोई बात नहीं, आर टू वन का वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैंने कहा आर टू वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होगा, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का मॉड ही होगा। इसका मतलब साहब अपने को यहाँ लिखना पड़ेगा आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। सर अपने को तो मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया, सर मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया, सर डायरेक्शन की बात कर ले। सर डायरेक्शन ऑलवेज तुम्हें पता है ये जो क्यू वन होगा ये क्यू टू को इधर ढकेल रहा होगा, जो क्यू वन है ये क्यू टू को इधर ढकेल रहा होगा, क्योंकि अपने को पता है पता है कि ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, है ना भाई, है ना। तो मेरी बात सुनना, मैं लिखूंगा ये जो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन की डायरेक्शन होगी ये कुछ और नहीं, ये डायरेक्शन होगी किसकी, आर टू वन वेक्टर की डायरेक्शन में। अब सोच मुझे आर टू वन वेक्टर का डायरेक्शन लिखना है तो मैं क्या करूंगा, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए उस वेक्टर में से उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगी, डायरेक्शन। मतलब मैं अगर चाहता हूं, मुझे पता है कि इसकी डायरेक्शन जो होगी, याद रखना डायरेक्शन जो होगी वो आर टू वन वेक्टर के डायरेक्शन में होगी। अब सोच मुझे आर टू वन वेक्टर का डायरेक्शन लिखना है तो मैं लिखूंगा आर टू वन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा दैट इज नथिंग बट आर टू वन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर टू वन वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई। अब सोच आर टू वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ और नहीं, क्या यही है, इसी को उठा के पटकू। मैंने कहा हाँ पटक दिया जाए, देख मैंने पटका मैं लिखता हूं आर टू वन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर टू वन क्या होगा, आर टू माइनस आर वन। क्या मेरी बात समझ में आई। क्या मैं इसको उठा के यहां रखूंगा, जैसे ही मैंने रखा मुझे कुछ कुछ दिखा, मुझे दिखेगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज नथिंग बट के क्यू वन क्यू टू ओवर 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 आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का स्क्वायर, और यहां पर क्या रखूंगा ये पटकूंगा। तो मैंने पटकते ही कुछ पाया आर टू वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड दैट इज नथिंग बट आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का मॉड। अबे देख क्या ये प्रोडक्ट में है तो क्या क्यूब बन जाएगा। तो मुझे मिला क्या, मुझे जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा वो फोर्स, मुझे जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन का, वो मुझे मिलेगा के क्यू वन क्यू टू ओवर आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर के मॉड का क्यूब, और यहां पर कौन बचेगा आर टू वन वेक्टर। यस और नो, क्या मेरी बात समझ में। अच्छा आर टू वन वेक्टर को मैं अगर चाहूं तो रिप्लेस करके अगली लाइन में ये भी लिख सकता हूं के क्यू वन क्यू टू ओवर क्या आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का मॉड का क्यूब, और आर टू वन वेक्टर क्या है, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, ऐसा भी पटक सकता हूं अगर मैं चाहूं। सर आप ऐसा क्यों पटक रहे हो, क्या वजह है। मैंने कहा देख मुझे आर टू वन वेक्टर पता नहीं था, ये माना था जाना नहीं था, मुझे पता क्या था, मैंने डिफाइन क्या करा था आर वन और आर टू को, इसीलिए मुझे पूरी एक्सप्रेशन में सारी की सारी चीजें नोन फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब आर वन और आर टू के फॉर्म में होनी चाहिए, समझ गए हो। तो ये रहा अपना एक ऐसा एक्सप्रेशन साहब जिसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी दिख रहा है। ये कौन है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और ये कौन है डायरेक्शन, यहां से भी दिख सकता है, यहां से ये पूरा कौन है मैग्नीट्यूड, और ये कौन है साहब डायरेक्शन। तो यही है साहब कौन, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी यही है और डायरेक्शन भी यही है। अब एक बात सर अगर वन पे बात करी जाए दो के कारण कुछ और नहीं पे, कुछ और नहीं, नेगेटिव चपका देना, मैं बार बार बोल रहा हूं नेगेटिव चपका देना। क्या मेरी बात क्लियर हुई, क्या समझ में आया, क्या बोर्ड में पूछ ले चुपचाप उठा छाप के चले जाओ, समझ गए, लेट पुट दिस इज दैट क्यू वन क्यू टू आर मान के छाप के चले जाओ, सीधा सीधा नंबर उसको देना ही पड़ेगा, समझ गए हो। तो आज यहीं तक कर ले, ठीक है, धन्यवाद।